आपका कोई अनंत पुण्य है, आपका उपादान तैयार है, प्रभु निमित्त बने हैं, आप गंभीर साधक हैं, मन और इंद्रियां और बुद्धि कैसे कैसे आपको घुमाते रहते हैं, इसलिए केवल अपने में रमन करना, अपने में स्थित रहना, अपने में डूबना बहुत, यदि जितना आप अपने आप में डूबोगे, अपने आप में ठहरोगे, अपने को समा दोगे, आपकी साधना बढ़ जाएगी। ये अब ऐसा नहीं कि केवल आप खूब बंद आँखों से ध्यान कर लिया, बस ध्यान के प्रयोग हो गए, अब 24 घंटे ही इस ध्यान में रहना है, 24 घंटे उठते बैठते चलते सोते खाते पीते, जब आप विश्राम करेंगे फिर भी भेद विज्ञान के साथ शुक्ल ध्यान की धारा बढ़ती रहे। आपने सुना प्रभु फरमा रहे हैं सबसे बड़ा तप क्या है, नौकारसी पोरसी एकासना एकलठाना, एक महीने का तप, दो महीने का तप, छः महीने का तप, एक वर्ष का तप, जो बाहर का तप है उससे आपका पुण्य बढ़ेगा, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, तो सबसे बड़ा तप क्या है ये आप सुनो। सबसे बड़ा तप है भेद विज्ञान। पहला तो है अपने जीव के प्रति श्रद्धा, जो अनादिकाल का मिथ्यात्व हमने इस देह को अपना मान रखा है, मिथ्या दर्शन शल जन्मों जन्मों से इस देह को अपना माना है, जिस गर्भ में गए, चाहे पशु बने मनुष्य बने देव बने नारी में गए, उस देह को अपना माना, उसके साथ राग किया, मनुष्य की देह में गए और उसके बाद परिवार में आए, उस देह से इतना राग कर लिया कि आत्मा तो गौण हो गई और जड़ प्रमुख हो गया, देह प्रमुख हो गई। आपको कहते हैं व्यवहार में आप कौन हैं, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बेटा हूँ, बेटी हूँ, मैं साधु हूँ, साध्वी हूँ, ये सारा परिचय शरीर का है, सारा परिचय शरीर का है, आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं। भगवान फरमा रहे हैं कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं, तुम्हारे देह से, तुम्हारे रिश्ते नातों से, ये तुम नहीं हो, केवल केवल मैं आत्मा, मैं जीवात्मा, मैं शुद्ध आत्मा, वो आत्मा अष्ट गुणों से युक्त आत्मा, निराकार आत्मा, ऐ गुरु लघु आत्मा, उस आत्मा को जानो, उसमें श्रद्धा करो, उसमें टिक जाओ, टिकना, उसमें ठहरना, ये महत्व का है। सबसे बड़ा तप, सबसे बड़ा ध्यान, जीव का जीव में ठहर जाना बहुत कठिन है। आप ध्यान करके देखो, मैं 4 घंटे ध्यान, 2 घंटे ध्यान, 8 घंटे, पर कहाँ तुम्हारा मन कहाँ भाग रहा है, बुद्धि क्या निर्णय लेती है, इंद्रियों के विषय कहाँ जाते हैं, अभी आप देखो, अभी आपको घंटा 1.25 घंटे का ध्यान करवाया, कहाँ मन गया, कहाँ संसार में डुबकी लगाई, शुक्ल ध्यान का समय कितना था, ये देखो। सबसे उत्तम है शुक्ल ध्यान, जीव का जीव में स्थित हो जाना। अभी आप आए हो, धारा खंडित होगी, निश्चित खंडित होगी, धीरे धीरे प्रयोग चलेंगे, प्रभु की वाणी आएगी और उसमें आपने स्थिर रहना है, उसमें आप स्थिर रह करके आप बढ़ाना है और अंतर का मौन रखना है। सबसे बड़ा तप है मैं जीवात्मा हूँ, ये अटल श्रद्धान और भेद विज्ञान, जड़ और जीव का भेद, जड़ अलग है, जीव अलग है, जड़ परिवर्तनशील है, जो बदल रहा है आकार में, निराकार तत्व, निराकार आत्मा और आत्मा में अष्ट गुणों की संपदा, ये भेद करेंगे कुछ भी करते हुए, चाहे आप उठते बैठते चलते सोते खाते पीते, भेद करना है और भेद करने के बाद जड़ को अलग करके जीव में स्थित होना है, कठिन है।
आसान नहीं है, पंचम आरा है, चारों ओर मिथ्यात्व है। जिस परिवार से, घर से, वातावरण से आप निकल करके आए, चारों ओर का मिथ्यात्व, कोई समझता ही नहीं इस बात को, कोई जानता नहीं कि ये भी मिथ्यात्व होता है। सबसे बड़ा मिथ्यात्व और सबसे कर्म बंधन का कारण, चार गति 84 लाख जीवायों ने में हमने भ्रमण किया, मिथ्यात्व। क्या मिथ्यात्व? इस जड़ को अपना मानना, इस देह को अपना मानना। व्यवहार दृष्टि से आप कहते हैं मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं माँ हूँ, ये व्यवहार दृष्टि है, इससे भगवान को कोई मतलब नहीं। ये शरीर की बात है, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रियाँ, मेरा संकल्प, मेरी विचारधारा, मैंने ये किया, वो किया, ये सब ऐसा करोगे कर्ता भोक्ता भाव में। तुम तप भी कर लिया, कर्ता भोक्ता में किया, भगवान कहते हैं वो तप है, पर वो बाही तप है, वो कर्म नजरा नहीं होंगी, पुण्य का बंध होगा। आप देवलोक में चले जाओगे, आप तप कर लोगे, परंतु कर्मों की नजरा इससे नहीं होगी। न्यूनतम नजरा और अधिक पुण्य का बंध, और ये नजरा ही नजरा है। यदि आप शुक्ल ध्यान में आ गए, आप शुक्ल ध्यान में नहीं आओगे, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अंदर की जंग चलेगी और आपका मिथ्यात्व और समकत की जंग होगी। और जंग में कौन विजय होता है? जैसे भगवान ने फरमाया, एक योद्धा युद्ध करता है 10 लाख योद्धाओं को जीत लेता है, एक योद्धा, उसको योद्धा कहते हैं, और उससे भी अधिक एक अपने को जीतना, एक अपने को जीतना मतलब आत्मा को जीतना, ये सबसे श्रेष्ठ तप है। इसलिए आप आए हैं, आपका कोई बहुत बड़ा पुण्य है, इसलिए इस बात को ध्यान देना, अपने में स्थिर रहने का पुरुषार्थ करना। यदि आपने मौन का पालन नहीं किया, इधर उधर देखते रहे, वो क्या कर रहा है, मेरी सहेली वहाँ गई, इधर क्यों नहीं बैठी, सब भूल जाओ, कोई तुम्हारा नहीं, तुम अकेले। जैसे भगवान जंगल में जाकर के साधना करते थे, या कोई जंगल में लोग रहते थे, आपको इतना सुंदर वातावरण मिल रहा है, वनस्थली है, आप वहाँ रह के साधना करते हैं, पर अकेले अकेले रहना, पहली शर्त है मौन का पालन करना होगा। और बाहर के जगत को भीतर नहीं लेके जाना, बाहर का जगत क्या है, पांचों इंद्रियां और छठा मन, और जो कुछ देखोगे आँखों से, कानों से, नासिका से, सुगंध लोगे, जिह्वा रस लेगी, स्पर्श करेगी, पांचों इंद्रियां, 23 विषय, 240 विकार, मन के संकल्प विकल्प, बुद्धि का निर्णय, किसी को देख करके आपका मन चलने लग जाएगा, मन कहानी बना लेगा, उस कहानी में उलझ जाओगे, तो ये ध्यान नहीं है, ये कर्मों की नजरा नहीं है, ये बैठे बैठे और आपके कर्मों का बंधन होगा। सोच लीजिए, भगवान ने फरमा दिया, सबसे बड़ा तप जीव को जीव में ठहर जाना, शुक्ल ध्यान में आना, अंतर का मौन घटित होना, बाह्य पुद्गल का चिंतन नहीं करना। पुद्गल का चिंतन करोगे तो और कर्मों का बंधन, पुद्गल का चिंतन विष की भांति है। यदि आप पुद्गल का चिंतन का मतलब उसके घर में क्या हुआ, वो क्या कर रहा था, मैं आ तो गया, वहाँ क्या हो गया होगा, नहीं हो गया, डेट टू दी वर्ल्ड, भूल जाओ, सब संसार में कोई तुम्हारा नहीं है, कुछ भी हो सब ठीक होगा, अनंत काल में संसार चला आ रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा, तुम्हारा किसी से कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं, वास्ता है अपने एक जीव से, एक आत्मा से, और सब में समान आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा, चारों ओर ही आत्मा 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 आत्मा, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चरेंद्री, पचेंद्री, ये अलग अलग है गति जाति, पर सब में समान आत्मा, पशु जगत में, त्रयंच जगत में समान आत्मा, मनुष्य जगत में समान आत्मा, देव जगत में समान आत्मा, 5 भरत 5 रावत 5 महाविदे, 56 अंतरदीप में जितने भी विचर रहे हैं, साधु साध्वी, श्रावक श्रावका, तीर्थंकर भगवान, अरिहंत परमात्मा, सिद्ध भगवान, सिद्ध शिला में जो सिद्ध हैं, उनमें वही आत्मा जो आप में है, जो मुझ में है, या कोई भेदभाव नहीं, ना कोई स्त्री, ना कोई पुरुष, ना कोई छोटा, ना कोई काला, ना कोई बोरा, सब समान, ना कोई निर्धन, ना कोई धनवान,
कोई परिचय किसी का नहीं देना, हम परिचय देते हैं उसके बारे में सोचते हैं, ये अच्छा ये बुरा ये मेरा ये तेरा, इससे कोई मतलब नहीं। केवल 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 मैं जीवात्मा, मैं शुद्ध आत्मा, मैं आत्मा और सब में समान आत्मा, जो सोहम की पहली साधना, जो अस्तित्व का बोध, जो आचार अंग सूत्र का पहला सूत्र सोहम, जो बेसिक शिविर में आपने किया समान आत्मा, सो हम मैं और वो मैं, जो सिद्धों की आत्मा, अरिहंतों की आत्मा, केवली की आत्मा, आचार्य उपाध्याय साधु की आत्मा, मैं समान सभी देवों की आत्मा, 26 देवलोकों की देवों की आत्मा मेरे समान, पशु जगत की सा आत्मा मेरे समान, नरक के नेरियों की आत्मा मेरे समान, कोई भेदभाव मिट गया और मेरे समान। अब किसी में क्या देखोगे? देखना शरीर को नहीं देखना, ये जड़ काया के प्रति नहीं जाना। जड़ काया को ध्यान दोगे तो कोई सुंदर है, कोई करीब है, कोई काला है, कोई गोरा है, किसी के प्रति राग है, किसी के प्रति द्वेष है, जो आपकी जड़ काया से प्रेम करता है उसको आप मित्र मान लेते हैं, जो जड़ काया से प्रेम नहीं करता उसको आप शत्रु मान लेते हैं। ऐसे अनंत काल में मैंने और आपने कितने कर्मों का बंधन किया, कोई हिसाब किताब नहीं इस आत्मा पर, कारमन शरीर पर अनंत 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 कर्म को सत्ता पड़ी हुई है। इसको क्षय करने के लिए एक ही मार्ग है, जीव पर श्रद्धा, अटल विश्वास, जीव का जीव में ठहर जाना, और कितना आप ठहरते हो ये तुम पर निर्भर करता है। और यदि भगवान की वाणी कहती है कि पंचम काल बाधक नहीं है, इस पंचम काल में केवल ज्ञान नहीं है, अरिहंत नहीं है, केवली नहीं है, पंचम काल में मोक्ष महाविद्या में होगा, पर पंचम काल में आप क्षय संकृति हो सकते हो। क्षय संकृति का मतलब आत्मा का एक गुण प्रकट हो गया 8 गुणों में, और क्षय समकत लेके तुम महाविद्या में जाओ और वहाँ से केवल ज्ञान प्राप्त कर लो। पहले है आत्मज्ञान, फिर है भेद विज्ञान, फिर है केवल ज्ञान, ये मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, तो शास्त्र की यही, सम्यक दर्शन का मतलब समकत, ज्ञान का मतलब सम्यक ज्ञान, दर्शन और ज्ञान युगत है, ये आया से विनाया, जो विनाया से आया, आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। ज्ञान का मतलब वो पुस्तकों का ज्ञान नहीं, शास्त्र का ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान, वो तुम्हारे भीतर है। हर आत्मा में ज्ञान है पर वो दबा पड़ा है, किससे? मिथ्यात और मोह और अज्ञान से दबा पड़ा है। मिथ्यात की परते को हटाना है, समकत की चोट पड़ेगी बार बार, भगवान ने फरमा दिया आपको कि यहाँ आपको जगाया जाएगा, बार बार जगाया जाएगा, समकत की चोट पड़ेगी, मिथ्यात्व पड़े और मिथ्यात्व के घन उतरेंगे और समकत का पोषण होगा और आप एक साधक बन करके आगे जाओगे और आप धर्म, शुद्ध धर्म, वीतराग धर्म आपको मिलेगा। यहाँ किसी का खंडन नहीं, मंडन नहीं, कोई सोचे कि कैसे हो गया, एक मास खमन हमने कर लिया, 12 महीने का तप कर लिया, बहुबली ने कैसे खड़े रहे एक वर्ष तक, केवल ज्ञान नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? बाधक कि मैं क्यों बंधन करूं, और जड़ पे अटके हुए थे, आत्मा को आत्मा नहीं देखा उन्होंने, उनकी भाइयों की समान आत्मा मेरी आत्मा, 98 भाई और मैं बाहुबली, मैं वंदन क्यों करूं उनको? वंदन शरीर को करना, आत्मा का वंदन, आत्मा आत्मा से क्या संबंध था, इतनी सी बात भूल गए, इतना तप था। देखो भगवान ऋषभदेव ने 13 महीने का तप किया, कितने कर्म भारी थे और कैसे निकल, 4000 साधुओं के राजाओं के साथ दीक्षा ली थी, सब आप जानते हो। गस्सु कमाल ने कैसे कर्म काटे अंतर मुहूर्त के अंतर, ये कर्म काटने की विशेष 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 विधि है, श्रद्धा करना। यदि श्रद्धा में आप लोग आए हैं, कठिन है श्रद्धा करने, जो लोग बहुत तप कर रहे हैं, हमने तो इतना तप किया, ये कौन है, क्या कर रहे हैं, इस प्रकार करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। केवल आत्मा पर श्रद्धा रखो, आत्मा पर चिंतन करो, आत्मा में ठहरने का प्रयास करो, आगे बढ़ जाओगे, बहुत आगे बढ़ जाओगे, और आपको स्वयं एहसास होगा सुख आपके भीतर है, भरा पड़ा है,
क्योंकि सुख आत्मा में है, शक्ति आत्मा में है, ज्ञान आत्मा में है, दर्शन आत्मा में है। और आत्मा है गुरु लघु है, आत्मा का वजन नहीं, आत्मा का निराकार, सम्यक दर्शन, अटल अवगाना, ये आत्मा के निज गुण है। ये सब तुम्हारे पास भरा हुआ है, साम्राज्य तुम्हारे पास है, अब कैसे इसको आगे बढ़ाना है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जैनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तव देवावितंग, नमो शांति जस धम्म श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पानतो धम्मो लोगोत्तमो, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि, चारे शरण दुःख हरण जगत अजर आ।